हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ, मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर के आई हूँ जिस तरीके से अगर आप अपनी सब्जियाँ स्टोर करते हैं तो फिर आपकी जो सब्जियाँ हैं वो एक हफ्ते तक का बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे फ्रिज में जगह भर जाती है, हमारे फ्रिज में जगह नहीं होती और हमारे पास ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके से सब्जियों को प्रिजर्व करके रखें जिससे हमारी जो सब्जियाँ हैं वो ख़राब ना हो। तो मैं आज आपके लिए ऐसा ही तरीका लेकर के आई हूँ, अगर आप इस तरीके से सब्जियाँ रखते हैं तो आपकी सब्जियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको सारी सब्जियों को अच्छे से धो करके सुखा लेना है। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से धो करके सुखा लिया है और जो सब्जी में जब आप धो करके सुखाए जो भी आपकी खराब सब्जी है उसे आपको अलग कर लेना है। जैसे यहाँ पे बैगन है, यहाँ पर ये जो मेरा बैगन है ये थोड़ा खराब हो रहा है तो मैं इसे हटा दे रही हूँ, इसे साइड कर ले रही हूँ। इस तरीके से जो भी आपकी खराब सब्जियां होंगी उसे आपको संभालना नहीं है, उसे आपको अलग कर देना है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती में आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ। आपको इस तरीके से टोकरी लेनी है और अगर आप ढक्कन वाली टोकरी ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आपको एक कपड़ा लेना है, ये कॉटन का कपड़ा है, इसे अच्छे से धो करके आपको निचोड़ लेना है और टोकरी पर फैला करके बिछा देना है। अब आपको इसमें धीरे धीरे करके सब्जियां रखनी है। इसमें आप सब्जियों को अच्छे से रख दीजिएगा टोकरी के अंदर। टोकरी के अंदर सब्जी रखने के बाद आपको इस सब्जी को अच्छे से, ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा कपड़ा, इससे आपको ढक लेना है। कुछ इस तरीके से कपड़े से सब्जी को ढकना है और फिर इस पर ढक्कन लगा करके रख देना। इसे आप घर में कोई भी ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जहां पे आपको धूप नहीं आती होगी। आप इसे किचन में या रूम पे कहीं पर भी आराम से रख सकते हैं। आप गर्मियों के दिन में इसे ढक्कन को हटाइए और इसमें 2-3 बार पानी की छींटे डाल दीजिए। इससे जो सब्जी होती है वो कपड़ा गीला रहेगा तो सब्जी सूखेगी नहीं और खराब भी नहीं होगी। और अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ। ये तो तरीका था कि आपके पास अगर ढक्कन वाली टोकरी है तो आप इस तरीके से सब्जी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में ढक्कन वाली टोकरी नहीं है तो आप कुछ इस तरीके से सब्जी रखेंगे। ये मैंने एक दूसरी टोकरी ली है, बड़ी सी टोकरी है, इसमें ढक्कन नहीं है। ये मैंने एक टावल लिया है, टावल को मैंने वो है पहले की तरह ही धो करके निचोड़ लिया। इसे मैं टोकरी में फैला दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सब्जियां रख रही हूँ। यहाँ पे मैं बैगन रख रही हूँ। आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आप सब्जी रखें इसमें आपको सड़ी सब्जी नहीं रखनी है। सड़ी सब्जी की वजह से क्या होता है कि जो आपकी अच्छी सब्जी होती है वो भी खराब हो जाती है। इस तरीके से आप चाहे तो इसमें 2-3 सब्जी अलग अलग तरह की भी रख सकते हैं। आपके पास बड़ी टोकरी है तो आप अलग अलग टाइप की सब्जियां रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बैगन रख लिया, अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस अगर मुझे मेरी टोकरी में बचती है तो मैं यहाँ पे भिंडी भी रख सकती हूँ। ये मैं भिंडी भी रख दे रही हूँ। इसी तरह से हम मिर्च भी रख सकते हैं, हरी मिर्च भी रख सकते हैं एक साइड पे। यहाँ पे देखिए मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है तो मैंने हरी मिर्च भी रख दी। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे टमाटर रख सकती हूँ, लौकी रख सकती हूँ, कद्दू रख सकती हूँ, कोई भी सब्जी रख सकती हूँ। इस तरीके से सब्जी रखने के बाद हमको जो ये है, ये सब्जी है, इससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे ढक लेना है। कुछ इस तरीके से हमको ढक लेना है। इसे ढक करके आपको अपने रूम पे या किचन पे कहीं पर भी रख देना है। और आपको इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे जहां पर भी आप इसे रखें वहां पे धूप ना आती हो। और आपको दिन में 2 बार गर्मियों के मौसम में जब ज्यादा गर्म हो तो आपको उसे पानी के छींटे डाल देने हैं, जिससे आपका जो कपड़ा है वो गीला हो जाएगा और सब्जी आपकी फ्रेश रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये तरीका सब्जी रखने का तरीका पसंद आया होगा और आपको इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। और इस तरीके से अगर आप सब्जी रखेंगे तो आपकी जो सब्जी है मिनिमम 7 दिन तक का तो खराब नहीं होगी। आप बिना फ्रिज के भी 7 दिन आप इस तरह से सब्जी स्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सम यूजफुल टिप्स बाय जयंती को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।